जो अयोध्या में कनक भवन है वो टीकमगढ़ के राजा ने बनवाया। जब उस मंदिर की देखरेख व्यवस्था टीकमगढ़ महाराज को प्राप्त हुई, वो कनक भवन में दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति जिनके हम लोग दर्शन करते, दूसरी मूर्ति है चल मूर्ति, जो यात्रा के लिए रथ पर बैठाई जाती है तो चल मूर्ति कहलाती है। तो उसके लिए घोड़े का रथ बनाते हैं। तो राजा ने एक घोड़ी भेजी, वो वहां गई, धीरे धीरे कनक भवन सरकार से उसका नेह जुड़ गया और अयोध्या में रहते हुए युगल सरकार की श्री सीताराम जी की मंदिर में सेवा करती, तो सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और राम जी की तरफ देखती रही। संतों ने उसका नाम श्यामा घोड़ी रख दिया। धीरे धीरे समय बीता, घोड़ों का जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, उसका बुढ़ापा आ गया। तो मैनेजर ने विचार किया, अब ये बूढ़ी हो गई है, दूसरी घोड़ा को मंगवाना है, एक काम करें इसको भेज देते हैं और राजा को पत्र लिखेंगे, वहां से वो दूसरी भेज देंगे। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर मैनेजर ने जाकर रेल मास्टर से बात किया, हमको घोड़ी झांसी तक भेजना है, झांसी के बाद मैं राजा किसी को भेज करके टीकमगढ़ बुलवा लेंगे, तो क्या उपाय होगा? स्टेशन मास्टर ने कहा कि हाँ एक उपाय, हम अलग से डिब्बा लगा देंगे, उस डिब्बे में तुम भर देना और कुछ पैसे इतने इतने लगेंगे जमा कर। उसका किराया पहले ही जमा कर दिया। घोड़ी को भेजने की तारीख निश्चित हो गई। मैनेजर साहब कनक भवन वापस लौट आए, 3 दिन शेष रह गए, तो 3 दिन पहले से ही उसने चारा चरना बंद कर और लगातार कनक भवन की ओर बैठी देखती रहे और आंखों से अश्रुधार जलधार बहाती रहे, मानो वो कह रही हो सरकार हमारा देह अवध में ही छूट है। अब वो दिन आ गया जिस दिन जाना है। हालत खराब हो गई, चलने की भी स्थिति नहीं बची। सेवकों ने कहा ले जाना उचित नहीं है, रास्ते में ही मर सकती। मैनेजर ने कहा वो तो चाहे जो हो, टिकट बुक हो गई है, पैसा लग गया है, नियम है भेजना पड़ेगा, हमने पत्र भी भेज दिया। गले में रस्सा बांधा, जबरदस्ती खचोर खचोर ले जाने लगे। खचोरने लगे तो वो बार बार मुड़कर कनक भवन की तरफ देखने लगे, मानो वो सोच रही हो कि अब लौट कर ये गलियां दोबारा प्राप्त नहीं हो। तो मुंह इस तरफ किए, बार बार मुड़ करके भगवान की तरफ देखवे और सेवक खिचोड़ते जा रहे, जबरदस्ती कोई पीट रहा कोई खिचोड़ रहा। रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जिस डब्बा में जाना था उस डिब्बे में उसे डाल दिया, अचेत सी लेट गए और बार बार अवध सरकार से प्रार्थना करती, सरकार पूरा जीवन आपके चरणों में गुजारा, अब अंतिम क्षण में भी अपने चरणों में ही रखो। डब्बा का गेट बंद कर दिया गया, कर्मचारी वापस आ गए, श्यामा जी मुर्दे के समान शांत पड़ी पर उससे ना देह छोड़ा गया, और करुणा निधि ने ऐसी करुणा की कि रात को ट्रेन तो आई पर कर्मचारी डिब्बा जोड़ना भूल गए। सुबह हुई डिब्बा खोला गया, अचेत अवस्था नहीं, श्यामा जी मर गए, लेकिन जो उसका प्रण था देह अवध में छूटे उसका प्रण पूरा हो गया। और जब मर गए तो खबर भेजी कनक भवन में मैनेजर को, हमसे भूल हो गई, डिब्बा नहीं जोड़ा गया और श्यामा जी मर गई। मैनेजर आए तो वहां पर एक कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी कनक भवन का, उसका नाम था गुरुदीन, वो श्यामा जी की पूरी देखभाल करता था भोजन चारा पानी का। तो गुरुदीन ने जैसे ही दशा को देखा तो रो पड़ा, तो गुरुदीन ने श्यामा जी के कान में जाकर के कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से तुम्हें फिर से मिला अवध में वास। श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, फिर से जीवत हो गई, खोल दिए दूने, आंखें खुल गई। और जैसे ही आंखें खुली तो संत गदगद हो गए, महात्मा गदगद हो गए और वो गुरुदीन भी उछल करके कूद पड़ा। और जैसे ही श्यामा जी ने आंखें खोली और देखा, वही कनक भवन की गलियां, वही अयोध्या, वही सरयू का किनारा, वही श्री अवध किशोर सरकार के दर्शन, दौड़ती उछलती कूदती कनक भवन की देहरी पर जाकर के अपने मस्तक को श्यामा जी ने रख दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।